राहुल गांधी की रैली को देखकर के इतनी ज़्यादा भीड़ तादाद में टूटी कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची। बता दें कि तेलंगाना में आज रोड शो था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत एक गाड़ी में सवार होकर रोडों के बीच सभी जनता को संबोधित करते हुए, रोड शो करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। वहां पूरा तेलंगाना टूटकर राहुल गांधी की जनसभा में आ खड़ी थी, जैसा देखने को तादाद में लग रहा था। इस वीडियो में आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि कितने ज़्यादा के तादाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत के साथ कई नेता गाड़ी में सवार होकर रोडों के बीच रैलियाँ करते हुए दिख रहे हैं। रोड शो में सभी जनता राहुल गांधी के नारे लगाते हुए वहाँ पर दिख रहे हैं और वहाँ पर पूरा जो शोर शराबा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना में दूसरी नंबर पर अभी बताई जा रही है कि कांग्रेस है, लेकिन उससे पहले बीआरएस को बताई जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि रोड शो के बीच में जितनी तादाद में जनता आ रही है, उससे लग रहा है कि तेलंगाना कांग्रेसमय होने वाली है। तेलंगाना की इतनी ज़्यादा संबोधित करने वाली जनता अगर कांग्रेस को वोट दे दे तो कांग्रेस पूरी की पूरी तेलंगाना में हो जाएगा। यही आज रोड शो में राहुल गांधी ने बड़ी अच्छी बातें सभी को बताई और वहां रोड शो के बीच राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत भी पहुंचे, वो अच्छी बात है। यहां पर राजस्थान में वोटिंग के बाद अब अशोक गहलोत भी वहां राजस्थान छोड़ तेलंगाना में गए हैं रोड शो में, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक गाड़ी में सवार होते हुए सभी जनता को हाथ हिलाकर सभी को एक तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी की पूरी जनता कांग्रेस में से नारे लगा रही है। ये देख पूरी अब जनता टूटकर वहां पे और आ जाती है और पूरा रोड जनता से भर जाती है। इसको लेकर पूरे जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती है और कांग्रेस को सरकार तेलंगाना में बनाना चाहती है। इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अगले न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।